दोस्तों, बारिश का मौसम है और हम सब बारिश को अनुभव कर रहे हैं। कितना अच्छा लगता है ना जब बारिश आती है और हमें गर्मी से राहत देती है। लेकिन कभी कभी बारिश अपने साथ तूफान को भी लेकर आती है और कुछ ऐसे ही तूफानों को हम भी अपने जीवन में एक्सपीरियंस करते हैं। इन तूफानों के साथ हम कैसे डील कर सकते हैं, इसके बारे में हम इस महीने जानेंगे और सीखेंगे। हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत सारे वीडियोस एंड रियल लाइफ स्टोरीज। लेकिन इससे पहले CBN इंडिया के YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हाँ दोस्तों, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। दोस्तों, तूफानों की यानी कि स्टॉर्म्स की बात हो रही है तो हमारे जीवन में अलग अलग तरह के स्टॉर्म्स आते हैं, जैसे फाइनेंशियल स्टॉर्म्स, हेल्थ स्टॉर्म्स, फैमिली स्टॉर्म्स या रिश्तों में स्टॉर्म्स। ये सब एक एक करके हम पर वार करते हैं, हमारे जीवन को प्रॉब्लम्स में डाल देते हैं। लेकिन अगर परमेश्वर हमारे साथ है, अगर उनकी दया और अनुग्रह हम पर बना हुआ है, तब हम इन स्टॉर्म्स पर विजय जरूर होंगे। Then we will ride over these storms। दिन की सुबह सुबह मम्मी जो थी वो मेरी बहन के हाथों में ही प्रभु यीशु मसीह के पास चली गई। आपकी वाइफ को PCOD कंडीशन है एंड इट विल टेक 5 years आपको कंसीव करने में या 5 साल ट्रीटमेंट में लगेंगे और उसके बाद हम देखेंगे। दोस्तों, बाइबल में मरकुस की किताब के 4th अध्याय में हम पढ़ते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ एक छोटे जहाज में सफर कर रहे थे, तब अचानक से एक तूफान उठा और इस तूफान में चेले बहुत डर गए, बहुत घबरा गए और अपनी घबराहट में उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पुकारा, मदद के लिए पुकारा। दोस्तों, आज हम भी अपने तूफानों में प्रभु यीशु मसीह को पुकारें, मदद के लिए पुकारें। वो जीवित परमेश्वर हैं जो हमारी पुकार को सुनेंगे और हम आपके साथ मिलकर इस पुकार में आपकी मदद करना चाहेंगे। हम आपके साथ मिलकर प्रार्थना करना चाहेंगे। डू कॉल अस ऑन आवर CBN प्रेयर लाइन। हमारा नंबर है 9910401010। हमारी प्रेयर लाइन 24/7 आपकी प्रार्थनाओं के लिए खुली है। दोस्तों, पिछला ये एक साल भी किसी सुनामी से कम नहीं था। इस पैंडेमिक और लॉकडाउन के बीच में हमने बहुत सारे तूफानों का सामना किया, लेकिन एक बात जो हम सब ने रियलाइज की वो ये है कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। वो हमारे साथ है, वो हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता और वो हमसे बहुत प्रेम करता है। जैसे हम बाइबल में फिलिपियों की किताब 4th और 7th अध्याय में पढ़ते हैं, द पीस ऑफ गॉड विच पासिस ऑल अंडरस्टैंडिंग इज विद अस एंड इट विल गार्ड आवर हार्ट्स एंड आवर माइंड्स इन क्राइस्ट जीसस। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। उनकी शांति को हम एक्सपीरियंस करते हैं जब हम उनके वचनों को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और साथ ही जब हम उनकी आराधना और स्तुति के गीत गाते हैं, तब भी हम उनकी शांति को अपने जीवन में एक्सपीरियंस करते हैं। तो क्यों ना हम सब मिलकर न्यू लाइफ श्री चर्च चंडीगढ़ की क्वायर के साथ इस महीने परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें। कैसा अनोखा प्यार तेरा, साथ ना छोड़े तू मेरा। It is said there is peace in the storm, पर ये तब मुमकिन है जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उन्हें अपना गढ़ बना लेते हैं। When we take refuge in him, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का एंकर बना लेते हैं, उनके वचनों पर विश्वास करते हैं, उन्हें पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपनी सब चिंताएं जब हम प्रभु यीशु मसीह पर डाल देते हैं, तब ये मुमकिन है कि हम उनकी शांति को अपने तूफानों के बीच में भी एक्सपीरियंस कर सकें। दोस्तों, आपको याद है ना कि आपको CBN इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन को भी दबाना है ताकि आप नोटिफाई हो जाएं जैसे ही हम आपके लिए इंस्पायरिंग और इंकरेजिंग वीडियोस अपलोड करें। सो बी स्ट्रॉन्ग, बी करेजियस, डरे नहीं, ये तूफान भी जल्द ही गुजर जाएंगे।